में तेरा खाता, मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता। अबे भोली के नहीं करना। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये वीडियो फनी है इसीलिए शेयर हो रहा है, अबे गलतफहमी की दुकान, ढिंचाक पूजा नामक यूट्यूबर है, एकदम मस्त कंटेंट बनाते हैं तेरे हिसाब से, जा। बट बाकी लोग को बता दूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग लड़कियां इसीलिए शेयर हो रहे हैं, ये तो फैक्ट है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा इसी चीज को कर देगा तो उसका हालत कुछ ऐसे होता। नहीं मैंने ट्राई, नहीं नहीं बहन को नहीं, माँ पे नहीं जाना, बुआ मेरे बुआ नानी नहीं, दादी वादी क्यों क्यों इतना गाली क्यों दे रहे हो मुझे, नहीं नहीं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इसलिए मैं जो कुछ भी बोलाऊं वो मजाक है। Hey guys, this is Boost Logic, so मैं हूं आपका श्रीनाथ बू, और आज का टॉपिक है वीगो का घाटा, म्यूजिकली टाटा, स्मूल को देखे स्टार मेकर बाटा। बेसिकली जो सोशल एप्स है उनमें जो क्रिंज है उसके बारे में बात करने वाले, सो लेट्स गो। बाहुबली नहीं, बाहुबली बनना तेरे को, ह्यूमर 2018। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो में एकदम कॉमेडी भर भर के रहेगा, नहीं, बट जैसे तुम लोग मुझे कमेंट में बता देते हो वैसे इनको भी बताना बनता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ह्यूमर 2018 द बेस्ट ह्यूमर, इंडिया का बेस्ट कॉमेडी नेशनल अवार्ड गोज टू। नहीं तुम ह्यूमर के लिए कुछ भी कर रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, बट शर्ट उतारने का फंडा क्या है? पता है कि लीगलाइज हो गया है बट इतना खुल्लम खुल्ला। अब मुझे पता नहीं इससे देख के अगर कोई ऑफेंड हो रहा है तो सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। लड़की पटाया तू, अपना मराया तू, अब इधर कई को तू आया, वीगो वीडियो का बड़ा सितारा होगा, यहाँ के हमको क्यों पकारा। नहीं ज्यादा म्यूजिकल नहीं हो गया? नहीं मुझे एक बात बता भाई, वीगो वीडियो में ऐसे वीडियो बना के तुम अपना मुंह काला कर ही रहे हो तो लिटरली मुंह काला क्यों कर रहे हो? शर्ट वर्ट फाड़े कैरेक्टर के लिए समझ में आ रहा है, रेड पेंट लगाए खून दिखाने के लिए समझ में आ रहा है, मुंह काला करने की जरूरत क्या है? और अभी जो कमेंट करने वाले थे कि भाई वो शर्ट पे बनियान है, मुझे पता है एक फ्लो में निकल गया था, पता है। अब तुम लोग मुझे मत बोलो कि मैं रेसिस्ट हो रहा हूँ, नहीं मैं रेसिस्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मुंह काला करके ये रेसिस्ट बन रहा है, मैं बस दिखा रहा हूँ तुम लोग की इसकी रेसिज्म, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं बस दिखा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं हरकतें ऐसे करेंगे फिर कोई मार दिया ना, गाते हुए रोएंगे कि मोड़े मोड़े डंडे डंडे से मारा, काले काले पट्टे पट्टे से मारा, सारा दिन लटका लटका के मारा सारा दिन। क्यों नहीं मरेंगे? हरकतें ऐसे करेंगे तो मारेंगे ही ना। और एक चीज बता दूं, तुम्हारे गाने में वो फील नहीं है यार, फील पता है कैसे आता है? ये सुनो, मिलेंगे तुमसे सब बसाएंगे, इतना प्यार है हमें। अरे तुम लोग को समझ में आ रहा है नॉर्मल सिंगर्स में, प्रोफेशनल सिंगर्स में और ऐसे रियल सिंगर्स में फर्क क्या है? ये रियल सिंगर्स को फील ज्यादा रहता है, अब हवस वाला फील नहीं, ये पैशन वाला फील है, बता रहा हूं मैं। एक नॉर्मल सिंगर एक सैड गाने को कैसे गाता है पता है? सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। ये नॉर्मल सिंगर्स, बट रियल सिंगर्स इसी गाने को कैसे गाते हैं पता है? सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू,
रो रहा हूँ मैं, ना 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 ना। नहीं, मैं ओवर एक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ रियल सिंगर्स ऐसे फील के साथ कैसे गाते हैं, बिकॉज फील इज इंपॉर्टेंट एंड फील इज व्हाट मेक्स अ सॉन्ग सक्सेसफुल। मुझे कैसे पता? देख के सिखाऊं, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है पर देख के सिखाऊं। यू कैन ऑल्सो डू दैट। रियल सिंगर्स बाहर आओ, तुम लोग भी गाओ, रियल सिंगिंग गाओ, गा के हैशटैग रियल सिंगिंग के साथ। नहीं, मत डालो मत डालो मत डालो, खुद की बेइज्जती करवा लोगे, मत डालो। तुम लोग को गलत नहीं बताना चाहता हूँ। और अफसोस पता है क्या, इन रियल सिंगर्स जो रियल के साथ गाते हैं, ये लोग को उनका क्रेडिट नहीं मिलता है। तो मैं आज क्या करूंगा, इनके लिए जब मैं रो रहा हूं कि अफसोस इनको नहीं मिलता है करके, तब मैं इनका गाना यूज करूंगा एज अ बैकग्राउंड, क्योंकि रियल इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें आज ओवर एक्टिंग ज्यादा लग रहा ना, मैं फील में बह गया था, फील में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फील। क्या, क्यों, जवाब दो। नहीं, हमें भी पता कि इक्वालिटी का जमाना है, वुमन एम्पावरमेंट का जमाना है, तुम उससे कम नहीं हो, बट करने से पहले सोच समझ के करो ना क्या कर रहे हो। नहीं, अगर टांग ही टूट जाता तो वीडियो कैसे बनाओगे? पागलपंती मत करा करो। नहीं, कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करो। रब, आज बड़ा फील करके बता रहा है लड़की है, इसीलिए बता रहा ना। ऐसे नहीं है भाई। क्या, अरे सच बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसे नहीं है। अरे बता भाई, वाली बात है यार, मुझे पता है, फिर भी अपने मुंह से सुना। ऐसे नहीं, तुम सारे सिंगल लौंडे ऐसे ही हो। मेरे बारे में कुछ भी बोल ले, सिंगल लौंडा के बारे में कुछ नहीं बोलने का। हाँ, चल निकल तू। निकलता हूँ। भगा रहा है यार ये, साला मेरे वीडियो में आके मुझे ही बेइज्जती मारता है। नहीं, ऐसे नहीं है, बंदे का टांग बाहर। एक मिनट, अगर बंदे का पैर बाहर था तो पकड़ किससे रहा था? बे, अबे हवस के पुजारी हो, इतना जोर से मत सोचो कि मुझे सुनाई दे रहा है। नहीं, अभी देखा मैंने, वो शोशु पकड़ा था। सोचते हो तुम लोग यार, हवसी लोग, कैसे हवसियों के बीच में आ गया मैं। Hey guys, तो इसके साथ आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। Q&A आने वाला है, तो कोई क्वेश्चन पूछना है तो #AskBoo के साथ पूछ लो। अगर इस वीडियो का ब्लूपर्स या कोई रैंडम फन चीज देखना चाहते हो तो मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर देना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो या लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करना चाहते हो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @BooSlogics। तो ये थी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। याद रखना, बेल आइकन दबाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइव स्ट्रीम में या सेकंड चैनल के वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम में। हकुना मटाटा, टाटा।